हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार सभी साथियों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, आज का जो वीडियो होगा वो होगा कैलेंडर का। जो हमने मैं अपने पिछले वीडियो में जो देखा था कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट करवाया था रेफरेंस कैलेंडर का, वो उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। उसका एक क्वेश्चन और रहता है, उसको भी मैं करवा दूंगा आपको, ताकि फर्स्ट टाइप पे आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लगा सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अगर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फॉलो करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाँ, तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। जो भी कॉन्टेंट आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उस केस के ऊपर या फिर उस टाइप के ऊपर लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए, टाइप वन का एक दो क्वेश्चन रह चुके हैं, उसको मैं पहले करवाऊंगा, उसके बाद हम टाइप टू पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री जो थे रेफरेंस कैलेंडर के ऊपर जो पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल न्यू है इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले आप कैलेंडर के जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तभी आप कैलेंडर के जो रेफरेंस कैलेंडर का जो टाइप्स बनते होते हैं उनको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले की जो कैलेंडर का पार्ट वन पार्ट टू जो अपलोड किया हुआ है, पहले उसको आप देखो, पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो को, फिर आपको पार्ट थ्री भी समझ आएगा कैलेंडर का, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप रेफरेंस कैलेंडर का जो टाइप रेफरेंस कैलेंडर का जो टाइप वन था उसका एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने कहा चलो आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, इसको भी आप 3 स्टार मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन था आपका, इफ 29 फरवरी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, अगर 29 फरवरी 2000 को, अगर 29 फरवरी वर्ष 2000 को बोला गया है फ्राइडे है, अगर 29 फरवरी 2000 को फ्राइडे है तो आपसे पूछा गया है, देन 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? आपसे ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, इसका आंसर आप कैसे दोगे और इसका आंसर क्या होना चाहिए? एज इट इज मैंने डाटा लिया, जैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था आपका, अगर 29 फरवरी 2000 को फ्राइडे है यानी शुक्रवार है, अगर 29 फरवरी 2000 को शुक्रवार है तो बताओ 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बात आपने देखी होगी, ये फर्स्ट केस का जो रेफरेंस कैलेंडर का टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट क्या था फिर से मैं रिवाइज कर दूं आपको, रेफरेंस कैलेंडर में आपके तीन तरह के टाइप्स पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या था, व्हेन डेट एंड मंथ सेम बट ईयर चेंज। यहां पर आप देखोगे 29 तारीख है, यहां पर भी 29 तारीख है, फरवरी महीना है, फरवरी महीना है, लेकिन मतलब कहने का है कि डेट और मंथ दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पे है, ईयर्स में। ये 2000 वाला ईयर्स है और ये 2012 वाला ईयर्स है, ठीक है? तो चेंज कहां पर है, ईयर्स में चेंज है। तो ये आपका पहला। और दूसरा क्या था, व्हेन ईयर्स सेम बट डेट एंड मंथ चेंज। और थर्ड क्या था, व्हेन ऑल चेंज, व्हेन डेट मंथ एंड ईयर्स ऑल चेंज, ठीक है? तो ये हम अभी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसका टाइप वन का, जिसमें आपको डेट और मंथ बिल्कुल सेम दिए हैं, ईयर चेंज है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको आप मेरे भाई 3 स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है? 3 स्टार ये क्वेश्चन क्यों है समझने के लिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। देखिए 29 फरवरी 2000, देखो 29 फरवरी 29 फरवरी यहां तक तो सेम है, तो फिलहाल इनसे हमें कोई मतलब नहीं, जहां पर चेंज आया मतलब वहीं से होगा। अब ये देखो वर्ष 2000 है और ये वर्ष 2012 है, सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, क्योंकि देखो ये डे पता करने के लिए कौन सा डे था, तो पहले आपको ऑड डेज निकालना पड़ता है, और रेफरेंस कैलेंडर के ऑड डेज कैसे निकलते होते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। पहले ईयर्स का गैप आप फाइंड करोगे, फिर उसमें उन ईयर्स जहां से पूछा गया जिस ईयर और वहां से लेके वहां तक कितने लीप ईयर आपको मिले उनको ऐड करोगे, और जो भी आपका
रिजल्ट है उसको 7 से डिवाइड करोगे आपके ऑड डेज निकल आएंगे। और ऑड डेज का मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। जो भी आपका रिजल्ट आएगा इयर्स प्लस लीप ईयर को ऐड करने के बाद, जब उसको 7 से डिवाइड करोगे और जो भी रिमाइंडर आपका है वही आप इसमें ऐड या फिर सबट्रैक्शन कर दोगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने देखना है गैप ऑफ ईयर्स, गैप ऑफ ईयर्स कितना है, गैप ऑफ ईयर्स कितना है। तो देखो 2000 से 2012 के बीच में देखो कितने सालों का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 12 वर्ष का डिफरेंस है, तो मैंने कहा चलो ऐड कर दो। ओके, अब बताओ लीप ईयर कितने हैं 2000 से लेके 2012 तक, आपको लीप ईयर्स कितने मिले, क्योंकि आपको पता है गैप ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ठीक है, ध्यान रखना। तो 12 साल तो ये है, अब देखो 2000 से 2012 तक आपको कितने लीप ईयर मिले, बीच में नहीं बोला मैंने, मैंने बोला और हर एक क्वेश्चन के लिए यही बोला मैंने 2000 से लेकर 2012 तक आपको कितने लीप ईयर मिले। तो देखो क्या ये वर्ष 2000 जो है लीप ईयर है, हाँ अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके, प्रैक्टिकली अगर देखोगे 2000 वर्ष जो है लीप ईयर है, आप बोलोगे सर कैसे, सर आपने बताया था कि ये सेंचुरी ईयर है, लास्ट में अगर वर्ष के दो डिजिट जीरो मिल जाए या फिर 3 डिजिट जीरो मिल जाए आपका वो सेंचुरी वर्ष होता है। और सेंचुरी वर्ष के लीप ईयर आप कैसे फाइंड करते हो, दिए गए वर्ष को सेंचुरी ईयर्स को आप 400 से डिवाइड करके देखते हो। तो ये देखो 400 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये लीप ईयर है, क्योंकि हमने रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन 29 फरवरी को माइंड में रख के देना है। ठीक है, और 29 फरवरी कौन सी जो हम क्रॉस करने वाले हैं, अगर हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं तब 2000 एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो पूछा गया है आपको 29 फरवरी 2000 को फ्राइडे है, यानी 29 फरवरी से पूछा गया है, यानी 29 फरवरी से आप 29 फरवरी 2000 वर्ष से 29 फरवरी 2012 तक आपने जाना है। तो 29 फरवरी 2000 से जब 29 फरवरी 2012 की ओर जाओगे, मींस आगे जाओगे, तो 29 फरवरी तो क्रॉस करोगे ना, बिल्कुल करोगे, यानी 2000 वर्ष जो है आपका एक लीप ईयर है, यानी कि 2000 जो वर्ष है आपका एक लीप ईयर काउंट होगा। ठीक है, अच्छा 2000 के बाद देखो 2004 जो आता है वो भी लीप ईयर है, 2008 भी एक लीप ईयर है, यानी 2004 एक लीप ईयर है और 2000 मेरे भाई 8 भी एक लीप ईयर बिल्कुल है। क्या 2012 लीप ईयर है, देखो प्रैक्टिकली तो 2012 लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग 29 फरवरी को हमेशा माइंड में रखनी है। क्या 29 फरवरी को हमने क्रॉस किया, आप बोलोगे नहीं किया सर, 29 फरवरी 2012 तक ही रुक गए, मतलब 29 फरवरी 2012 तक का ही पूछा है, 29 फरवरी आपने 2012 वाली 29 फरवरी क्रॉस नहीं की, इसलिए 2012 एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पर 1 मार्च ऐसा कुछ दिया होता तब तो ये एज अ लीप ईयर काउंट होता, लेकिन देखो 29 फरवरी 2000 से जब 29 फरवरी 2012 की तरफ जाओगे तो ये 2000 वाली 29 फरवरी तो आप फ्यूचर में क्रॉस करने वाले हो, लेकिन 29 फरवरी 2012 को आप क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए यहीं तक रुके, इसलिए 2012 एज अ लीप ईयर काउंट आपका नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आपको बताओ 2000 से लेके 2012 तक कितने लीप ईयर मिले, 2000 2004 2008, यानी टोटल आपको 3 लीप ईयर्स मिले। तो बस 12 में प्लस 3 ऐड करो, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो रिजल्ट देखो 15 आया। अब ऑड डेज कैसे निकलेंगे, इसको डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, ये देखो 15 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 1। अब ये रिमाइंडर आपके जब आपने इसको किया तो 1 मिल चुका है, 1 मिला। अब आपने क्या चेक करना है अगला केस, कि आपको पूछा कहां का है। देखो 2000 वाला दिन दे रखा है, आपसे पूछा है 2012 वाला दिन, यानी आपको फ्यूचर डे पूछा है, आने वाला कल जो भी होगा, मतलब 2000 वर्ष 2000 का दिन आपको पता है, 2012 का पता करना है, यानी आप कैलेंडर में क्या आगे नहीं जा रहे हो, आगे की डेट पूछी है ना, कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो, इसलिए जो 1 आया है ये फ्राइडे प्लस 1, यानी 1 जो है इसमें फ्राइडे में ऐड होगा, तो फ्राइडे प्लस 1 क्या आंसर होगा आपका, सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है सैटरडे, इस क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, सैटरडे। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, ये जो टाइप 1 था रेफरेंस कैलेंडर का उसका क्वेश्चन था।
ये 3 स्टार इसको मार्क कर सकते हो, इसको जस्ट समझाने के लिए था। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन पूछा जाता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आई होप आप सभी समझ चुके हो इस क्वेश्चन को। तो चलो हम चलते हैं अब इसके आगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक क्वेश्चन देखो कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आज आपको एक चीज क्लियर हुई होगी, अगर 29 फरवरी को आप क्रॉस करने वाले हो तब वो अगर लीप वर्ष है तब एज अ लीप वर्ष काउंट होगा। माइंड में क्या रखना है, 29 फरवरी की अगर आप क्रॉस करने वाले हो, ये नहीं कि अच्छा अगर यहाँ पर दिया होता है 1 मार्च और यहाँ पर देखो 1 मार्च 2000 दिया होता और 1 मार्च 2012 दिया होता तब ये एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होता, क्योंकि आप फरवरी तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। जो अगर फरवरी क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी तब वो एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगी, लेकिन आप करने वाले हो यानी फ्यूचर में करने वाले हो, क्रॉस करने वाले हो, तब वो वर्ष एज अ लीप वर्ष काउंट होगा, ठीक है। मतलब रेफरेंस कैलेंडर का आंसर देने के लिए आपके माइंड में हमेशा क्या होना चाहिए, 29 फरवरी होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना 29 फरवरी को हमेशा माइंड में रखना है। अगर आप उसको फ्यूचर में क्रॉस करने वाले हो तभी वो एज अ लीप ईयर काउंट होगा, अदरवाइज लीप ईयर काउंट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे उनको मैं बता दूं, आपका ये ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड बैचेस के कंटेंट मिल रहे हैं, जो मैं आपके अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दे रहा हूँ। बस आपसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भी साथियों को जोड़िए, ठीक है, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ऑफलाइन स्टूडेंट या फिर ऑनलाइन, उनको पता है कंटेंट आपको यहाँ पर वो डिलीवर किया जा रहा है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा, ओरिजिनल कंटेंट होता है, यहाँ पर कोई भी फालतू की चीज नहीं कराई जाती है, बिल्कुल लो से स्टार्ट किया जाता है उसको हाई लेवल तक छोड़ा जाता है, इवन उसके मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। कैलेंडर जब ये खत्म होगा चैप्टर आपका यूट्यूब पर, इसके बाद में एक वीडियो इसकी मिसलेनियस क्वेश्चंस की भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी ने जो एग्जाम लिया था 2018 में उसके और 2022 में भी लिया है जो ग्रुप डी ने वो उसके भी और एनटीपीसी एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ताकि क्वेश्चन कैलेंडर का आपका कुछ भी आए आप कहीं ना अटको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका टाइप 2, और टाइप रेफरेंस कैलेंडर का टाइप 2 क्या बोलता है, जब आपको इयर्स सेम दिए हो लेकिन डेट और मंथ मेरे भाई चेंज हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं आपका प्रीवियस है, सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन है, 30 मई 2004 को अगर फ्राइडे है, टाइप 2 है ये आपका कैलेंडर का, ये आपका टाइप 2 हो गया, टाइप रेफरेंस कैलेंडर में मैंने बोला था आपको केस बोलो या फिर टाइप्स बोलो, तो 3 टाइप्स पूछी जाती है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 के अब हम अभी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डेट और मंथ तो चेंज होंगे लेकिन इयर्स जो है सेम होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जरा। एक हमारे साथी ने बताया बोला है सर, एक हमारे साथी बोल रहे हैं कि सर क्लॉक करवा दीजिए, तो मेरे भाई क्लॉक का भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपका प्रीवियस से ले रहा हूं, पूछा है कि गया है आपको 30 मई 2004 को अगर फ्राइडे है, इफ 30 मई 2004 इज फ्राइडे, अगर 30 मई 2004 को आपका फ्राइडे है तो बोला गया है देन 27 मार्च 2004 will be what? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है अगर 30 मई 2004 को शुक्रवार है तो बताओ 27 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, तो आप इस बार देख रहे हो इयर्स देखो सेम है, 2004 का आपको दिन दे रखा और 2004 का ही पूछा गया, लेकिन मंथ वाइज पूछा गया कि अगर 30 मई 2004 को फ्राइडे है तो बताओ 27 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा। तो देखो जब ये जो चीज सेम होती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, जहां पर कुछ चेंज आपको नजर आता है वहां पर आप फोकस करोगे। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे यहाँ पे तो आपको चेंज कहाँ मिल रहा है,
डेट देखो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर मंथ देखो मई है, यहाँ पर मार्च है। अब इसके लीप इसके सॉरी ऑड डेज कैसे निकालोगे, क्योंकि ऑड डेज निकालोगे तभी आपको पता लगेगा कि इस दिन कौन सा दिन था, ठीक है, मतलब 27 मार्च 2004 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई बिल्कुल सतर्क हो जाना, ऐसे क्वेश्चन में हमने इस हमें इसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले देखना कि जो भी मंथ्स आपको यहाँ पर दिए होंगे उनमें सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, और जो सबसे पहले मंथ आया हो उसकी जो भी डेट दे रखी हो उसके बाद जो दिन बचते हैं, यानी जो भी देखो सबसे पहले सुनो, यहाँ पर देखोगे जो भी मंथ आपको दिए गए उनमें सबसे पहले आपने देखना कि सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा। देखो मई और मार्च दिया हुआ है, आपको पता है कि मई से पहले तो मार्च आए, मार्च ही आता है, मार्च के बाद फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, यानी इन दोनों मंथ्स में जो पहले आता है पहले आप उसके क्या लोगे, रिमेनिंग डेज, यानी रिमेनिंग डेज ऑफ मार्च। अब देखो रिमेनिंग डेज ऑफ मार्च क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो इन दोनों में मई और मार्च में सबसे पहले कौन सा महीना आएगा, मार्च आएगा, और मार्च देखो कितनी तारीख की दी हुई है, 27 तारीख की दी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, मार्च एक्चुअल में होता कितने दिनों का है, तो आप बोलोगे सर मार्च जो है सर आप 31 दिनों का होता है। मैंने कहा ठीक है आपने सही बोला, अब मार्च 31 दिनों का होता है, 27 मार्च तो दे रखा है, तो बताओ रिमेनिंग डेज कितने बचे, तो 27 और 4 31, यानी रिमेनिंग मार्च में रिमेनिंग डेज कितने बच गए इसके, 4। तो जो भी मंथ इन दोनों में जो भी मंथ पहले आता है इन दोनों मंथ्स में, ये जो क्वेश्चन दिया होगा आपको इन उन देख लेना, जो भी इन दोनों में से पहले मंथ आएगा उसके आप लोगे रिमेनिंग डेज। मार्च देखो मई, मई से पहले मार्च ही आता होता है, मतलब पहले तो मार्च ही आएगा ना, उसके बाद अप्रैल फिर मई, कहने का मतलब मार्च आपको पहले आएगा मई बाद में। तो देखो जो पहले आए, जो पहले महीना आए उसके लोग आप रिमेनिंग डेज, 27 मार्च की दी हुई है, 27 मार्च तारीख दी हुई है, और मार्च में एक्चुअल दिन कितने होते हैं, 31, यानी रिमेनिंग डेज कितने बचे, 4 बस। अब देखो उसके बाद देखो आपको पता है कि मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो अप्रैल का फुल डे देखोगे कितने दिन होते हैं अप्रैल में, आप बोलोगे सर अप्रैल में होते हैं 30 दिन, अप्रैल में मैंने बोला 30 दिन, आपने बोला बिल्कुल सही सर 30 दिन होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो मई, अच्छा मई, अच्छा इसमें भी देखो मई तक ही पूछा है, मई तक ही पूछा है, और मई बताओ कितने दिन का दिया हुआ है, 30 मई का। तो ध्यान रखो इन दोनों में से जो बाद में आएगा मंथ उसका जो भी दिन दिया होगा, जो भी तारीख दी होगी, जस्ट ऐसे ही आप लिख दोगे यहाँ पे, अप्रैल के बाद देखो आता तो मई ही है, और मई कितने कितने तारीख की दी हुई है, 30 तारीख, तो आप जस्ट 30 इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दोगे। कहने का मतलब है जो इन दोनों में पहले आएगा उसके तो लोगे आप रिमेनिंग डेज, और जो बाद में आएगा उसका जो भी डेट लिखा होगा एज इट इज उसको यहाँ पर चिपका दोगे और अपना आंसर दे दोगे। देखो 30 और 30 कितने होते हैं, 60, 60 और 4 64, ठीक है। अब मैंने बोला था रिमेनिंग डेज कैसे सॉरी ऑड डेज कैसे निकालोगे, तो ये 64 जो आया है इसको 7 से डिवाइड करोगे, तो आपको पता है 64 को जब 7 से डिवाइड करोगे सप्तनाम होता है 63, रिमाइंडर आया 1, यानी इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। अब आपने चेक करना है कैलेंडर में आपको आगे का पूछा है या फिर पीछे का पूछा है, तो देखो कैसे पता लगेगा, मंथ से पता लगेगा, मंथ से कि आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या फिर पीछे। ईयर्स तो देखो यहाँ पर फिक्स है, सेम है, ईयर्स से तो कोई लेना देना नहीं है, तो हमने मंथ्स को फिर चेक करना है। मई का दिन दे रखा है, आपको पूछा कहाँ पर है, मार्च का पूछा है, यानी फ्यूचर का आपको दे रखा है, आपसे पूछा क्या है पास्ट का, मतलब मई का आगे वाला दिन आपको दे रखा है, आगे जो मई है मई का दिन आपको दे रखा है, पूछा कहाँ, पूछा किसका है, मार्च का, यानी कैलेंडर में हम पीछे को जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर आपका रिजल्ट आया है यहाँ पर जस्ट नेगेटिव लगा दोगे, यानी आप फ्राइडे में से माइनस वन कर दोगे। तो फ्राइडे में माइनस वन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर थर्सडे, मैंने बोला आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्या आंसर होगा इसका, थर्सडे। तो आई होप आप बिल्कुल समझ चुके हो, फिर से बता दूं जो जिनको एक बार में नहीं समझ आए फिर से समझा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर आपको ईयर्स दोनों सेम दे रखे हैं लेकिन चेंज आपको डेट और मंथ में नजर आ रहा है, सबसे पहले आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, ये दिए गए मंथ्स में जो पहले मंथ आएगा सबसे पहले, तो देखो मई और मार्च में सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा, मार्च ही तो आएगा, तो जो पहले आए उसके आप लोगे रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज कैसे, जो भी यहाँ पर डेट दी होगी और महीना जितने का होगा उसको उसमें से उसको घटा दो,
मार्च देखो 31 महीने का, 31 दिनों का महीना होता है मार्च, और दिया कितने तारीख, 27 तारीख दी हुई है, 31 में से 27 कटाओ तो कितने बचते हैं, 4, तो रिमेनिंग डेज मैंने ले लिए 4 उसके। अब उसके आगे बढ़ते जाओ, इन दोनों यहां से यहां तक पहुंचने में आपको कितने मंथ का सामना करना पड़ा और उस मंथ में कितने दिन होते हैं, तो मार्च के बाद देखो अप्रैल आता है, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मैंने 30 दिन पूरा ले लिया, प्लस मई। अब देखो मई तक ही जाना था हमने, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, पूछा ही मई तक है, तो जून जुलाई तो और हम आगे जाएंगे नहीं, जहां तक दिया हुआ लास्ट मंथ वहीं तक, और जो भी इन दोनों में लास्ट मंथ होगा उसका जो भी दिन दिया होगा जितने दिन का वो सेम आप यहां पर रखोगे। कहने का मतलब है इन दोनों में जो पहले मंथ है उसके तो आप लोगे रिमेनिंग डेज, और इन दोनों में जो लास्ट मंथ जो भी है उसके आप क्या लोगे, सेम डेट जो दी होगी, और उसको ऐड करके 7 से डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर जो जो भी है आपका उसमें आपने देखना है कि कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो या फिर पीछे। पहले टाइप में आपको पता लगता था इयर्स से, क्योंकि इयर्स में डिफरेंस होता था, इसमें आपको कैसे पता लगा, मंथ्स में, कि आपको कैलेंडर में आगे जा रहे हो या फिर पीछे जा रहे हो, मींस कैलेंडर में आपको आगे का दिन पूछा या फिर पीछे का दिन पूछा। कोई बात क्लियर इतनी, आई होप सभी को क्लियर होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको समझने में, अगर कोई अगर एक बार में नहीं समझा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अभी सेकंड टाइप पर ही 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, और जितनी भी वैरायटीज इस पर बन सकती है उनको करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेंगे, ठीक। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो एक दिन में या फिर एक महीने में कोई स्मार्ट नहीं होता, जो भी कंपटीशन में स्टूडेंट्स न्यू आते हैं उनको पता है टाइम लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके माँ बाप हैं, जो आपका इस स्ट्रगल के टाइम में इतना साथ देते होते हैं। इवन आपका आप कहीं जब रहते हो किसी भी हॉस्टल में, चाहे कोई पटना रहता हो चाहे कहीं दिल्ली रहता हो, हर एक रेंट का खर्चा वो उठाते हैं। बस मेरे भाई इतनी बात याद रखना, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, अगर उन्होंने आपके ऊपर पैसे खर्चे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके आपके साथ साथ उनके फ्यूचर के बारे में भी वो सोच रहे हैं, कि अगर आप स्टैंड हो जाते अपने पैरों के ऊपर तो उनको भी संभालोगे, तो ठीक है। देखो लड़कीबाजी हो गया, इश्क हो गया, प्यार मोहब्बत ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी मत चलने देना कि आपके ऊपर ये हावी हो जाए। प्यार हर किसी को होता है मेरे भाई, हर किसी को होता है, हमें भी हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, हर किसी की लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का मेरे भाई, इन सब के चीज़ में आज की बात अगर मैं आपको बात आज की अगर मैं आपको बात करूं आज की कंपटीशन सिनेरियो की सबसे, और दूसरी बात है कि आज की दुनिया की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो अगर आप सेटल लाइफ मेरे भाई, उससे आप बहुत सी चीजें अपने कंडीशन जो है सुधार सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए, नो डाउट आपकी भी गर्लफ्रेंड्स होंगी, बॉयफ्रेंड्स होंगे आपके जो गर्ल्स स्टडी करती है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी उस चीज को लेकिन कैरी ऑन कीजिए, लेकिन माइंड में एक बात सेट कर लेना भाई, अगर आप कैरियर अपना बनाते हो तभी आप आगे चीजें कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज चीजें ब्रेक होती हुई मैंने बहुत देखी है। तो बस इतना फोकस कीजिए कि पहले अपने पैरों पर आप खड़ा हो जाइए, ठीक है मेरे भाई। आजकल जो स्टैंड नहीं है उनको कोई नहीं पूछता, ठीक है, रिश्तेदार तो पता है आपको ताने मारेंगे मारेंगे, और भी लोग बिल्कुल आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते होते हैं। तो अपने आप को इतना मजबूत करो, और मजबूत कैसे बनाओगे, आपके अंदर ना कि आग होनी चाहिए भाई, हर एक इंसान के लाइफ में ना कुछ टारगेट फिक्स होने चाहिए, विदाउट टारगेट किसी की लाइफ ना बिल्कुल बेकार है, हर एक इंसान के लाइफ में ना कुछ टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है, बिना टारगेट्स मेरे भाई अधूरी है। और जिंदगी आप चाहते हो कि एक जैसे ही चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा, और उस चेंज के लिए आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। जैसे आपने सीजीएल में देखा कितना बड़ा चेंज हुआ टायर टू में, इवन जो टायर वन में जो पैटर्न पूछा जाता है वही पैटर्न आपको टायर टू में भी दिया जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, और एक सेक्शन आपका एडिशनल जो बड़ा है वो कंप्यूटर का सेक्शन है, जो कि 20 नंबर का आपका आई थिंक पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। वैसे ही कुछ चेंज सीएचएसएल में हुआ है, तो चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेचर क्या है, नेचर में भी चेंज आते हैं आपको पता है, तो कहने का मतलब ये है चाहे कुछ भी हो जाए आप एक तरफ अपना गोल जो है हमेशा सेट करके रखिए, हमेशा फोकस रहिए, छोटे छोटे गोल्स से ही देखो बड़े बड़े गोल्स अचीव होते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कहूंगा आप 7-8 घंटा पढ़ो, नहीं पढ़ पाता कोई, मुझे पता है, आप 1-2 घंटा आदत बनाइए, इसको कुछ दिन जारी रखिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए इसी 2-3 को 4 घंटे में भी ले जाओ, ठीक है, और एक प्रॉपर वे में पढ़ो। मैं आपको फिर से बता दूं,
एक बार मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट मतलब जुड़े हैं इस चैनल पे उनको बता दूं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपका मतलब आपकी अप्रोच सिलेक्शन तक कैसे होनी चाहिए, सुनो, सबसे पहले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपने आप अपने बैच को कंप्लीट करना चाहिए आपको। ये होता है आपका चार प्रोसेस है टोटल, बैच कंप्लीशन आपका सबसे पहले जो है बैच कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अच्छा फर्स्ट मैं बताता हूँ, फर्स्ट जो है बैच कंप्लीट जब आपका हो मतलब हो जाए, उससे पहले जब बैच आपका कंटिन्यू में रहे, आपको करना क्या चाहिए, जो भी आपको टीचर्स हैंड रिटन नोट्स देते हैं, पीडीएफ दी जाती है आपको, उनको साथ साथ ही रिवाइज करते रहो, और जब आपका बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तब आपने क्या करना है, नोट्स रिविजन, जो भी आपको नोट्स दिए जाए अगेन उसको रिवाइज करना आपने, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप, लास्ट नोट्स को रिवाइज करने के बाद इस स्टेप पे आपने बोलना है, लास्ट 5 years क्वेश्चन बैंक, कोई बुक ले लेना उसके लगाओ, बुक लास्ट 5 years की जो क्वेश्चन बैंक की बुक होगी, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग चाहे एसएससी की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी मतलब कहने का मतलब है, जिस भी आप उसमें एरिया में जाना चाहते हो, बैंकिंग एरिया में जाना चाहते हो या फिर एसएससी में जाना चाहते हो, तो उसके लास्ट 5 years ही क्वेश्चन आपने लगाने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, मतलब लास्ट 10 साल के क्वेश्चन नहीं लगाने, क्योंकि मेरे भाई आज का जो सिनेरियो है ना बहुत आगे, मतलब आज का कंपटीशन का दौर है बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छे अपडेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपडेटेड क्वेश्चन लास्ट 5 years में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अपडेटेड होते सारी सारी चीजें, और इन्हीं और एक और बात सुनो, ये जो लास्ट 5 years की क्वेश्चन बैंक की आप बुक लोगे, इसको मेरे भाई मिनिमम 2 times एंड मैक्सिमम 3 times आपने इसको सॉल्व करनी है, रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रीजनिंग की कोई बुक ले लो, लेकिन ये कब लोगे, ये सब चीजें करने के बाद, पहले तो आपने कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपका बैच जो है कंप्लीट होना चाहिए, बैच कंप्लीट होने के बाद आपने नोट्स को रिवाइज करना ढंग से रिविजन करने के बाद, क्योंकि नोट्स रिवाइज करने का मतलब क्या है, जितने भी चैप्टर आपने रीजनिंग में पढ़े हैं उसकी नोट्स आप अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही जब आप लास्ट 5 years के क्वेश्चन लगाओगे, जब पहली बार आपने बुक को खत्म किया आपको नॉलेज मिली, दूसरी बार आपने खत्म किया तो आपने जो पहली बार सॉल्व करते हुए टाइम लगाया था उससे कम टाइम लगेगा, दो बार आपने इस किताब को सॉल्व किया, उसके बाद जब तीसरी बार मेरे भाई सेम किताब को लगाओगे ना, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट जो 4th step होता है मॉक्स लगाने, ये देखो ये प्रोसेस करने में मेरे भाई पता कितना टाइम लगता है, अगर देखो इंस्टीट्यूट अगर आपका बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो ये सिलेबस कंप्लीट होने तक मेरे ख्याल से सिर्फ 6 से 6.5 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर वो इंस्टीट्यूट ज्यादा टाइम लगा रहा है आपका, 1 साल 1.5 साल लगा रहा है, फिर तो भैया गलत इंस्टीट्यूट में फंस चुके हो, फिर तो आप यूट्यूब पर ही बैठ कर अपने कॉन्टेंट अच्छे से रिवाइज करो, और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, रीजनिंग की तो आप यहीं से कर लिया करो, आपको अपडेटेड कॉन्टेंट मिलता होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इन 4 steps को फॉलो करते हो, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर इन 4 steps को फॉलो करते हो, तब तो आप बिल्कुल सही वे में हो, अगर अदरवाइज आप गलत वे में हो, ठीक है। आप बैच कंप्लीट भी कर रहे हो, साथ में बैंक के पेपर भी दे रहे हो, एसएससी के पेपर भी दे रहे हो, तो इस तरह की सिलेक्शन मेरे भाई नहीं होता है। बैंक गवर्नमेंट एग्जाम पाने के लिए आप में पेशेंस होनी मेरे भाई बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने आए हो, कंपटीशन में आए हो, तो ये भूल जाओ कि आपको जल्दी ही सिलेक्शन मिल जाएगा मेरे भाई, जल्दी सिलेक्शन उन्हीं का होता है। देखो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन जो है 3 सालों में भी हो जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 5 सालों में भी सिलेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो अपना 2 years में ही सिलेक्शन पा लेते होते हैं। ब्रिलियंट कहने का यहाँ पर ये मतलब था, आप सभी देखो ब्रिलियंट हो कोई, लेकिन हमारा देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, टाइम को कैसे इंक्रीज करें, तो भैया ये सब चीजें आपके बहाने होती। मैं अगर बात बोल रहा हूँ तो कड़वी बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूँ, ये सब आपकी जिस दिन आपने मन में ठान लिया ना कि कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, उस दिन ये जो बहाने हैं ना अपने आप छूटते जाएंगे, ठीक है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेज में भी स्टूडेंट हैं, पहले ही ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि स्टूडेंट हमारे सिलेक्टेड हैं, और जो भी हम पढ़ाते हैं उनको मिलती है चीजें, और हम हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन ही आपको कराने की कोशिश करते होते हैं।
कहने का मतलब ये है, आपकी बात पे आते हैं कि इन चारों चीजों को अगर आप बिगिनर्स हो, अगर इन चारों चीजों को फोकस कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? एक साल तो मेरे भाई लग जाएगा, ये कड़वी सच्चाई है, लग जाएगा। अगर हाथ पैर चाहे जितना मर्जी मरो, एक साल तो मेरे भाई लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने में। और अगर यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम आपको लग रहा है तो फिर आप सही वे में हो, क्योंकि इसका मतलब ये है अगर एक साल में यहाँ तक पहुंच रहे हो, एक साल में पहुंच रहे हो या फिर 8 या 9 महीने में पहुंच रहे हो, तब आप सही वे में हो। और यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें ना बहुत सही तरीके से कंप्लीट करके आए हो। मॉक्स लगाओगे, डेली मॉक्स एक लगाओ, 2-3 नहीं लगाने, सिर्फ एक लगाओ। और उसको मॉक्स को लगाने के बाद एनालाइज उसका जरूर करो। एनालाइज का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर आपका कोई रॉन्ग हुआ तो क्यों रॉन्ग हुआ, उसका सॉल्यूशन देखो कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, आपको क्यों नहीं समझ आया, तो उसको और वही क्वेश्चन दोबारा आपको मॉक्स में दूसरे मॉक्स में भी देखने को मिलेगा, तो इजिली कर जाओगे। ठीक है, बैच कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। नोट्स को रिवाइज करने के बाद लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक होंगे उसको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 टाइम्स लगाना है, तब ही मॉक्स पे जाना है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप खुद फील करोगे आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, बिल्कुल कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक चले गए, आपको खुद ये होता है प्रॉपर वे। आपको जो बिगिनर्स हो उनके लिए बता रहा हूँ, और मेरे भाई ये सब करने में आपको अगर ये तरीके आप फॉलो करते हुए सिर्फ चार स्टेप्स ही है, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाओ बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली आप अच्छे से एग्जाम दोगे। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बोला कि ये चीजें आपको सही तरीके से आपने फॉलो की होनी चाहिए, ठीक है, तब यहां तक पहुंचो, उसके बाद आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखो मॉक्स में होता कुछ नहीं है, 75% मोर देन 75% क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, बैंकिंग का दे रहे हो, इंश्योरेंस का दे रहे हो या SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नोट करके लिख लो, मोर देन 75% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही मिलते हैं। कुछ बस अपडेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, वो 2 to 2.25 में तो फिक्स ही हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक साल में आप सिलेक्शन ले जाओगे, बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम स्टूडेंट जो एक साल में लेते होते हैं, अदरवाइज टाइम तो भाई हर एक स्टूडेंट को मिनिमम 3 ईयर्स तो लगता ही है, और मैक्सिमम कई बार 5 ईयर्स भी लग जाता है, और कई को तो होता ही नहीं, क्यों, गलत तरीके से फॉलो करते हैं। देखो एक और बात बता दूं मैं आपको, जो स्टूडेंट ज्यादातर गलतियां करते हैं, एक और बात बता दूं, आप एक ही सब्जेक्ट की 10-10 किताबें घर में मत रखो मेरे भाई, मत रखो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक किताब कोई प्रीवियस ईयर लगाओ, और पहले जो मैंने बोला एज इट इज फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से आप वे में हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट की आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में लेने जाओगे तो एक रीजनिंग का सिर्फ एक ही किताब लेना, क्योंकि चाहे किसी भी ऑथर की आप किताब ले लो, होंगे तो वही 5 ईयर्स के पुराने क्वेश्चन, कोई ज्यादा वो तो होगा नहीं कि भाई इसने ज्यादा कर दिया, उसने ये कर दिया, इस 5 साल में इस वाले 5 साल जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें कुछ और पूछे गए इसमें कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं, ऑथर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी आपको सेम मिलते होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की सिर्फ प्रीवियस ईयर की आपकी एक ही किताब होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लूसेंट की किताब भी रीजनिंग के लिए है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की भी ले आए और अदर ऑथर की भी ले आए, और 3-4 किताबें इकट्ठी कर ली, वो देखने में पहले तो कहेंगे हाँ कर लेंगे, बाद में उनको खुद ही सॉल्व करने में दिक्कत आती है। इसलिए सिर्फ एक ही किताब रखो हर एक सब्जेक्ट की, उसको 2-3 बार सॉल्व करो, कोई नहीं सिलेक्शन को आपको रोक सकता, ठीक है, बस प्रॉपर वे में करना उसको, ईमानदारी से पूरी की पूरी, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपको यूट्यूब पर आपको कंटेंट दे ही रहा हूं मैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी, कोई भी प्रीवियस जब आप किताब लगाओगे, कहने का मतलब सबसे पहले आपका बैच कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, YouTube पर तो आप पढ़ ही रहे हो, आपका बैच टोटली कंप्लीट में जैसे मैंने चलाया है YouTube पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड बैचेस मिल रहा है, ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है आपको, तो फिक्र करने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना सेकंड केस। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया प्रीवियस ईयर का, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2008 को अगर थर्सडे है, क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2008 को अगर आपका थर्सडे है, 30 दिसंबर 2008 को अगर आपका थर्सडे है, तो बताओ 29 सितंबर 2008 को 29 सितंबर 2008 को जो था कौन सा दिन था, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इजी है, आपको पता है ईयर्स तो सेम है, चेंज कहां पे है, डेट में और मंथ में, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर लेंगे, आपको पता है।
तो सबसे पहले आपने देखना है, अच्छा दिसंबर और सितंबर में बताओ सबसे पहले महीना कौन सा आएगा, सितंबर ही आएगा। और सितंबर कितने दिन का होता है, कितने दिन का होता है सितंबर? आप बोलोगे सर सितंबर जो होता है, देखो अगस्त के बाद सितंबर आता है, अगस्त होता है 31 का, सितंबर 30 का होता है। तो सितंबर कितने दिनों का होता है? 30 का। और सितंबर मंथ कितने तारीख का दिया हुआ? 29। यानी रिमेनिंग डेज कितने बचे? एक। 30 में से 29 को घटाओगे तो रिमेनिंग डेज बचे एक। आपको मैंने बोला यानी रिमेनिंग डेज ऑफ सितंबर, सितंबर को क्या लोगे आप? क्योंकि देखो इन दोनों मंथ में से दिसंबर और सितंबर में पहले कौन सा महीना आएगा? सितंबर आएगा। तो जो पहले आए उसके हम लेंगे रिमेनिंग डेज। कैसे? जो तारीख दी होगी आपने देखना कि उस मंथ में एक्चुअल में दिन कितने होते हैं। तो देखो सितंबर में 30 दिन होते हैं, 29 सितंबर दिया हुआ है, तो 30 में से 29 को घटाओ कितना बचा आपके पास? एक। यानी सितंबर के आपने क्या लिए? रिमेनिंग डेज। अब देखो सितंबर से दिसंबर तक जाना, तो सितंबर के बाद देखो अक्टूबर आएगा, अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का। यानी अक्टूबर कितने दिन का होता है आपका? 31 दिन का। तो 31 दिन पूरा ले सकते हो। उसके बाद नवंबर आया, अच्छा नवंबर कितने दिन का होता है? तो आप बोलोगे सर नवंबर होता है आपका 30 दिन का। मैंने कहा ठीक है। अच्छा नवंबर के बाद आता है दिसंबर, और देखो दिसंबर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिसंबर कितने दिन का दिया हुआ है? 30। दिसंबर कौन सी तारीख दी हुई है? 30। तो जो लास्ट मंथ होगा इन दोनों में से उसके आप जो डेट लिखी होगी एज इट इज आपने चिपका देना है, प्लस दिसंबर। और दिसंबर कितने तारीख का दिया हुआ है यहाँ पर? 30 का। 30 यहाँ पर रखो। अब करना क्या है, इनको आपने ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है, आपके और डेज निकल जाएंगे। और उसके बाद आपने देखना है कि कैलेंडर में आप मंथ वाइज आगे जा रहे हो या फिर पीछे जा रहे हो। अगर आगे जा रहे हो तो जो भी रिजल्ट आपका आएगा और डेज निकला होगा उसको आप प्लस 1 करोगे, अगर पीछे जा रहे हो कैलेंडर में तो माइनस करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा आपकी कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। ये देखो 31 है, 30 है, 31 है, दो बार 30 है और एक बार 1 है। इनको जब आप ऐड करोगे एंड में तो ये 7 में तो आपको डिवाइड करना ही करना है, तो क्यों ना इसको पहले ही कर लिया जाए। देखो 7 को अगर 31 को अगर 7 से डिवाइड करते हो कितने बचते हैं? 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है? 3। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है? 2। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है? 2। बस अब इनको ऐड कर लो, यानी 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। 8 जो है 7 से बड़ा, इसलिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 को डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1। रिमाइंडर मींस ये देखो 8 ये रहा, 7 से डिवाइड करो 7 एकम 7 1, ये होता है आपका रिमाइंडर, शेषफल 1 है। अब आप देखो मंथ वाइज आप कैलेंडर में, मंथ वाइज जो है कैलेंडर में आगे का दिन पूछा या फिर पीछे का। देखो दिसंबर का दिन आपको दे रखा है, पूछा कहां का है? सितंबर का पूछा है, यानी पीछे कैलेंडर में पीछे जा रहे हो। तो ये जो 1 आया आपका रिजल्ट, इसको माइनस 1 लिखोगे। फर्स्ट डे माइनस 1 क्या होता है? वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर क्या होगा? वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मेरे भाई क्या आ गया? वेडनेसडे। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन बताई आपकी और इजी। देखो एग्जाम में आपका टाइम मैटर करता है, कि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट जो है ज्यादा, उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। देखो ये आपको पता है 31 30 जब इन सबको आप ऐड करते हैं एंड में तो साथ में डिवाइड करना ही करना, इनको पहले ही कर दो छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा उस चीज को। इसके कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद आज हम शुरू करेंगे इसका टाइप 3, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में टाइप 3 कैलेंडर का ही, रेफरेंस कैलेंडर का जो टाइप 3 होता है उस पर हम क्वेश्चन करेंगे बाद में।
अगर आप ये चीजें अगर जो बिल्कुल जो ऑलरेडी अपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हो कैलेंडर का जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कोई भी मेरे भाई किताब लगाओ, मोर देन 98% 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चैनल पर आपको लो क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, और डिफिकल्ट यानी टफ क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, ये नहीं कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करवा दिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करवाए नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट रखिएगा, पूरा आपको ओरिजिनल कंटेंट अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, जो भी चीजें आपकी अपडेट हो रही है एग्जाम में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अगर बोला है कि अगर 5 अप्रैल 2022 को ट्यूजडे, वाह इसी साल का पूछ लिया, अगर पांच अगर देखो इफ वाली कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर 5 अप्रैल बोल रहा है, अगर 5 अप्रैल 2022 को, अगर 5 अप्रैल 2022 को बोला है कि ट्यूजडे है यानी मंगलवार है, 5 अप्रैल 2022 को अगर मंगलवार है, तो बोला है आपसे कि बताओ 31 दिसंबर 2022 को, 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ईयर्स में तो कोई चेंज ही नहीं है। 2022 का अप्रैल, 5 अप्रैल 2022 का दिन आपको पता है, ट्यूजडे दिया हुआ है, आपको पूछा है 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब सुनो बात बिल्कुल ध्यान से, सुनो बात मेरी बिल्कुल ध्यान से, चेंज कहां पर आया है, डेट डेट मंथ मंथ में, यहां पर 5 है, यहां पर 31 है, अप्रैल है, ये दिसंबर है, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन है। मतलब रेफरेंस कैलेंडर में टाइप 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मंथ दिए हुए हैं, इनमें जो पहले मंथ आएगा उसके हम लेंगे रिमेनिंग डेज। अप्रैल और दिसंबर में पहले कौन सा आता है, अप्रैल आता है, और अप्रैल में होते कितने दिन है, 30, और दिए कौन सा तारीख है, 5, तो 30 में से 5 को घटाओगे, मतलब रिमेनिंग डेज ऑफ जो पहले दिया होगा इन दोनों में महीना, उसके आप लोगे रिमेनिंग डेज। अप्रैल और दिसंबर में पहले अप्रैल आएगा, तो अप्रैल के क्या लोगे आप, रिमेनिंग डेज। अप्रैल 5 की दी हुई है, एक्चुअल में अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30, तो 30 में से 5 घटाओगे तो आपको क्या 25 नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, अच्छा अप्रैल से अब दिसंबर तक जाना है, तो मई रास्ते में आएगा, और मई होता है आपका 31 दिन का, तो 31 को लिख सकते हो। फिर जून आएगा, जून होता है आपका 30 दिन का, तो 30 लिख दो। फिर आएगा आपका जुलाई, जो होता है आपका 31 दिन का, तो 31 लिखो। फिर आता है आपका अगस्त, अगस्त होता है आपका अगेन 31 दिन का, 31 लिखो। सितंबर होता है आपका 30 दिन का, तो 30 दिन लिखो। अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का, 31 लिखो। फिर नवंबर होता है आपका 30 दिन का, तो 30 दिन लिखो। और फाइनली हम दिसंबर तक पहुंच गए, और दिसंबर कितनी तारीख की दी हुई है, 31, तो जो भी लास्ट मंथ दिया होगा और जो भी उसकी डेट दी होगी उसको हम एज इट इज लिख देंगे। आप देख सकते हो, जो इन दोनों में पहले महीना आएगा इन दोनों मंथ्स में, उसके तो हमने ले लिए रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज ऑफ अप्रैल, रिमेनिंग डेज ऑफ अप्रैल। उसके बाद जो लास्ट में जो आएगा उसकी जो भी डेट दे रखी है हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग डेज, और आपका जो ऑड डेज निकल आएगा। उसके बाद हम देखेंगे मंथ में कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, मतलब आगे का पूछा मंथ वाइज या फिर पीछे का पूछा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था अप्रोच जल्दी कैसे करेंगे, आपको पता है, माइंड में ऐसे रखो, 25 दिए, 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया, 4, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 3, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 2, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 3, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 3, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 2, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 3, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 2, 7 4 28, रिमाइंडर कितना, 3। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कैलकुलेशन बताओ इजी हुई कि नहीं। ये 30 31 25 लिखने के, मतलब बड़े बड़े नंबर को पहले ही आप 7 से काट दो, क्योंकि बाद में जब ऐड करोगे तो 7 से जब डिवाइड करोगे तो अपने आप ही ऑड डेज निकालने हैं। मतलब कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट करने के लिए आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। यहीं पर आप 7 से काट दो, जब बाद में सभी आप ऐड करके 7 से काटने वाले हो ही, इसको पहले ही 7 से काट लो। अब इनको ऐड करो, 4 3 7 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 और 3 20 20 और 2 22 22 और 3 25 और 25 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 3 21, रिमाइंडर कितना है मेरे भाई,
चार, यानी शेषफल चार है, यानी कि रिजल्ट फाइनली आपका ऑड डेज कितना निकले, चार। अब आपने चेक करना है कि कैलेंडर में हमें मंथ वाइज आगे का पूछा दिन या फिर पीछे का पूछा है। तो देखोगे अगर आप 5 अप्रैल मतलब अप्रैल का आपको दिन दे रखा है, आपको पूछा है दिसंबर का दिन पूछा है, यानी कैलेंडर में आपको फ्यूचर डे पूछा है, आने वाला दिन पूछा है, यानी आने वाला दिन पूछा है, यानी जो चार आया ये क्या हो जाएगा इसमें ट्यूसडे में प्लस हो जाएगा। तो ट्यूसडे में चार ऐड करो तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मेरे भाई क्या आ चुके हैं, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार मैं देख लेता हूँ कि बोर्ड आपको अच्छे से नजर आ रहा है कि नहीं, जो भी बोर्ड पर लिखा गया है आपको नजर आ रहा है जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट है वो घबराइएगा मत, अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे कराया जा रहा है तो, लेकिन ये मत मन में कभी डाउट रखना कि आपको कंटेंट जो है आपको ओल्ड कराया जा रहा है। देखिए मेरी मजबूरी है, अभी इतना मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँ, बट कोई बात नहीं, अब सबका साथ रहा तो डिजिटल बोर्ड भी जरूर आ जाएगा, उस पर करवाएंगे जरूर क्वेश्चन। लेकिन हाँ, व्हाइट बोर्ड पे अगर कराया जा रहा है, कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल 100% कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कंसेप्ट आपको 100% ओरिजिनल दिया जा रहा है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बस आप सभी साथियों का साथ रहा तो डिजिटल बोर्ड भी जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटेंट से आप बेफिक्र रहिएगा, आपके लिए मैं पूरा एफर्ट करता हूं कि हाँ कोई भी क्वेश्चन मेरे भाइयों का गलत ना हो एग्जाम में। अप्रोच आपको इस तरीके की बताऊंगा। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे उस तरीके को फॉलो करता हूँ जिससे मेरे स्टूडेंट का टाइम बचे। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट मुझसे साथी पढ़ रहे हैं उनका टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम में होता है कि आपको टाइम बचाना होता है। चलो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया है, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है अगर आपका ये पूछा है, अगेन ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है अगर 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे है, अगर 15 अगस्त 2005 को, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करवा चुका आपको, आई थिंक ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन होते तो सारे तरीका तो सब सेम है करने का। अगर 30 अप्रैल 2004 को सैटरडे है, बोला है अगर 30 अप्रैल 2004 को 30 अप्रैल 2004 को बोला है सैटरडे, 30 अप्रैल 2004 को अगर आपका सैटरडे है तो बोला है कि बताओ 25 जनवरी 2004 को, 25 जनवरी 2000 चार को आपका कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखो अब सबसे पहले आपको पता है इयर्स तो सेम है, बस डेट और मंथ में डिफरेंस है, तो एक टाइप टू है आपका। तो सबसे पहले देखो जनवरी और अप्रैल में पहले कौन सा महीना आता है, जनवरी, जनवरी अप्रैल से पहले आता है, तो जो पहले है उसके हम लेंगे रिमेनिंग डेज। जनवरी कितने तारीख की दी हुई है, 25 की, और बताओ जनवरी में एक्चुअल दिन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 31 दिनों की होती है जनवरी, तो 31 में से 25 घटाओ तो कितने बचेंगे आपके पास, 6, यानी रिमेनिंग, यानी कि सबसे पहले जो भी महीना है आप उसके लोगे रिमेनिंग डेज, यानी कि रिमेनिंग डेज ऑफ जनवरी। जनवरी के क्या लोगे आप, रिमेनिंग डेज। ठीक है, तो जनवरी होती है 31 की, 31 में से 25 कटाया कितना आया, 6। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फरवरी। अच्छा फरवरी देखो, फरवरी जो होती है, अच्छा फरवरी कौन सी है, देखो 2004 वाली फरवरी है, 2004 देखो एक लीप ईयर है, आपको पता कि लीप ईयर होता है 2004 जो है, होता है मेरे भाई एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी बताओ कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। ठीक है, 2004 का है, और देखो सेम ये पूछा तो सेम ही इयर्स में है ना, पूछा सेम इयर्स में, और जनवरी से अप्रैल तक पूछा है,
यानी जनवरी के बाद आप फरवरी वाली 29 तारीख को भी तो क्रॉस करोगे ही करोगे, तो 29 फरवरी 2004 में तो आनी आनी है। तो फरवरी इसमें कितने दिनों की होती है लीप ईयर, लीप वर्ष में 29 दिनों की, इसलिए 29 लीप हो गया यहां पे, ठीक है। अब आया मार्च, मार्च में बताओ कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे सर मार्च में होते हैं सर 31 दिन, लिख दीजिए, मैंने कहा ठीक है। अब आया अप्रैल, जो कि आपका इन दोनों में लास्ट महीना है दिया हुआ है अप्रैल। अच्छा अप्रैल दिया कितने का है, मैंने बोला था आपको इन दोनों में जो भी लास्ट मंथ होगा उसके आप जो भी डेट लिखे होगी एज इट इज आप यहाँ पे चिपका दोगे, 30 अप्रैल लिखे तो आप अप्रैल का 30 लिख दोगे, बस अब इनको ऐड करो। और तरीका आसान, मैंने क्या बताया था, 6 तो है ही है, 29 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 1, 31 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 3, 30 को अगेन 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 2, बस अब इनको ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 और 2 12, ठीक है 12 को डिवाइड करो, 7 से रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5। अब देखो कैलेंडर में आपको आगे का दिन पूछा है या फिर पीछे का, देखो अप्रैल का आपको दिया हुआ है, जनवरी का दिन पूछा है, यानी कैलेंडर में क्या पीछे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हो ना, तो ये जो 5 आया ये सैटरडे में से 5 दिन माइनस हो जाएंगे। अब देखो सैटरडे में आप 5 दिन माइनस करो या फिर 2 दिन ऐड करो, बात एक ही है, सैटरडे माइनस 5 करते हो तो फ्राइडे थर्सडे वेंसडे ट्यूसडे मंडे, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मेरे भाई क्या चुका आपका, मंडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मंडे इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अप्रोच इनकी देखिए आपके सामने ही है, इतने सारे जो कैलेंडर के क्वेश्चन में अब तक आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी जिन स्टूडेंट को, इसके बाद नहीं होने वाली, क्योंकि देखो अगर आपको केसेस नहीं पता ना, जो भी टाइप्स इसमें रेफरेंस कैलेंडर की पूछी गई होती हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि गलत आंसर ही दोगे, लेकिन अगर आपको टाइप्स पता लग जाए तो आप गलतियां नहीं करोगे, है ना, तब आपकी गलतियां करने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो हमेशा याद रखो, हमेशा एक माइंड में चीज बैठा रहो कि कंपटीशन आपका, मेरे भाई हमेशा कहता हूं मैं सभी स्टूडेंट से, कंपटीशन आपका हमेशा आपसे होता है, आप अपने आप को जितना इंप्रूव करोगे उतना ही आप बेहतर बनोगे, उतना ही अच्छा एग्जाम में स्कोर करोगे, कोई भी आपका साथ देने नहीं आता, आपका स्ट्रगल टाइम में मेरे भाई याद रखना, स्ट्रगल टाइम में आप अकेले होते हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब जो आपसे नहीं भी बात करते थे वो भी बात करने आते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपका किसी भी, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एग्जाम में ही बोल रहा हूं मैं, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पहले अपने आपको सक्सेसफुल होने के लिए तैयार करो, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे और फिर आपकी चीजें बेहतर होती जाएंगी। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपका टाइप टू पे ही करा देता हूँ, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका ये वाला हो गया, हाँ 10 अगस्त 2020 को अगर मंडे है तो बोला है कि 31 दिसंबर 2020 का 20 को कौन सा दिन होगा, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, बोला है कि अगर 10 अगस्त इफ 10 अगस्त 2020 इज, अगर 10 अगस्त 2020 को मंडे है, अगर 10 अगस्त 2020 को मंडे है तो बताओ 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप देखो सबसे पहले अगस्त आएगा या फिर दिसंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर अगस्त जो है सबसे पहले आता है, तो रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त, अगस्त की क्या लोगे, जो पहले है उसके हमने, देखो जो पहले आए महीना उसके हम लेंगे रिमेनिंग डेज, अगस्त होता कितने दिन का है 31 दिनों का, और तारीख कितने कितनी दी हुई आपको 10, 31 में से 10 घटाओ क्या 21 नहीं आया, आप लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल आया। अच्छा अगस्त के बाद देखो सितंबर आता है आपका, सितंबर कितने दिनों का होता है मेरे भाई, आप बोलोगे सर सितंबर जो होता है 30 दिनों का होता है, मैंने कहा चलो ठीक है लिख लो। उसके बाद देखो अक्टूबर, अक्टूबर आता है आपका 31 दिनों का, तो 31 लिखो। उसके बाद नवंबर, नवंबर आता है आपका 30 दिन का। उसके बाद आता है दिसंबर, दिसंबर और दिसंबर ही इन दोनों में लास्ट मंथ दिया हुआ है, और दिसंबर जो लास्ट मंथ इन दोनों में दिया हुआ है वो कितने तारीख का दिया है 31, तो जो लास्ट मंथ इन दोनों में होगा और उसका जो भी डेट दिया होगा उसको आप एज इट इज लिख दोगे, तो दिसंबर और दिसंबर कितने तारीख का दिया हुआ है 31 का, बस इनको ऐड करो 7 से डिवाइड करो आपका और डेज निकल आएगा, तो डायरेक्ट इसको आगे पता है आपको चीजें 7 से डिवाइड होंगी, तो यहीं पर 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21 रिमाइंडर 0, ठीक है
7 × 28 रिमाइंडर 2, 7 × 28 रिमाइंडर 3, 7 × 28 रिमाइंडर 2, 7 × 28 रिमाइंडर 3, ठीक है। यहां से 0 है, यहां से 2 है, यहां से 3 है, फिर यहां से 2 है, फिर यहां से 3 है, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10, और 10 को डिवाइड करो 7 से अगेन, क्योंकि 7 से बड़ा आए तब 7 से डिवाइड कर लेना, अगर 7 से छोटा यहां पर आता है रिजल्ट इनको ऐड करने के बाद तब तो 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, लेकिन बड़ा नंबर आता तब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3। देखो यहां पे 10 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 * 7 रिमाइंडर कितना है 3। अब यहां पर रिजल्ट आपका 3 आ चुका है। इसके बाद आपका क्या काम होगा, आपने देखना है कि कैलेंडर में हमें आगे का दिन पूछा या फिर पीछे का, मींस कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अगस्त का दिन आपको दे रखा है मंडे, दिसंबर का दिन आपको पूछा, मींस कैलेंडर में आपको फ्यूचर डे पूछा है, आने वाला दिन पूछा है कौन सा होगा, आने वाला दिन पूछा है, यानी इस मंडे में जो भी रिजल्ट आपका आया है वो क्या होगा ऐड होगा, तो 3 जो क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो मंडे में 3 ऐड करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मेरे भाई क्या आ चुका है, थर्सडे। देखो कितना इजी है, अप्रोच देखो कितनी अच्छी है, आपके क्वेश्चन देखो कितनी इजीली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है थर्सडे, ठीक है। चलते हैं आगे, तो चलो सेकंड जो टाइप था इसका रेफरेंस कैलेंडर का वो भी मेरे भाई खत्म होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड कौन सा था थोड़ा सा मुझे बता दो कि टाइप थर्ड कौन सा था। तो सर आपने बताया था कि टाइप थर्ड वो था जिसमें आपको सभी चीजें बिल्कुल ही चेंज नजर आएंगी, जिसमें आपको डेट भी चेंज नजर आएंगी, मंथ्स भी चेंज नजर आएंगे और ईयर्स भी चेंज आपको नजर आने वाली है, ठीक है। तो सर आपका आपने बताया था कि ये थर्ड केस बनता है जिसमें आपको सब चीजें बिल्कुल चेंज नजर आती है, इसमें सब चीजें आपको चेंज नजर आती है। तो चलो ये आपका शुरू होने जा रहा है टाइप थर्ड, ये आपका टाइप थर्ड शुरू होने जा रहा है। टाइप थर्ड क्या है, जिसमें आपको डेट्स भी डिफरेंट देखेंगे, मंथ्स भी डिफरेंट देखेंगे और आपका ईयर्स भी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो चलो इस पर पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है, रेफरेंस कैलेंडर का टाइप थर्ड करने जा रहे हैं हम लोग, उसका पहला क्वेश्चन 5 अक्टूबर 2003 को सैटरडे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2003 को बोल रहा है कि सैटरडे है, यदि इफ 5 अक्टूबर 2003 इज सैटरडे, इफ 5 अक्टूबर 2003 सैटरडे, अगर 5 अक्टूबर 2003 को सैटरडे है तो बताओ 30 जुलाई 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, 30 जुलाई 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, आप इसको मैं थर्ड केस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो डेट देखो यहां पर 5 है, यहां पर 30 है, डेट चेंज हुआ, मंथ्स देखो यहाँ पे अक्टूबर है, यहाँ पर जुलाई है, मंथ्स भी चेंज है, इयर्स देखो 2003 का दिया हुआ है, 2015 भी दिया हुआ है, यानी इयर्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ पर 2003 है, 2015, यानी ऑल चेंज, तब ये कौन सा केस बन जाएगा, टाइप बन जाएगा आपका रेफरेंस कैलेंडर का टाइप थर्ड, ठीक है। तो आज आपको पता लग रहा होगा कि जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होता था किस रीजन की वजह से होता था, क्योंकि आपको सभी के सभी टाइप्स अच्छे से क्लियर नहीं थे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको सारे के सारे टाइप्स जो है क्लियर होने वाले हैं। अपने अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देखो अब अच्छा मकसद तो यही है ना कि पहले ऑड डेज निकालोगे तभी आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इस दिन कौन सा दिन था, मकसद तो हमारा ऑड डेज निकालना है, और सर आपने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा उस तरीके से हमने देखना है। अच्छा ये देखो सबसे पहला जो मैंने आपको टाइप सबसे पहला टाइप मैंने जो आपको करवाया था सबसे पहला टाइप उसमें देखा था आपने कि सिर्फ ईयर्स ही चेंज था, डेट और मंथ सेम थी, तो पहला टाइप था। दूसरा टाइप में देखा आपने ईयर्स सेम है लेकिन डेट और मंथ चेंज है, इसमें देखो कि सभी चीजें चेंज है, जो बाय डिफॉल्ट आपका पहले और दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इस थर्ड टाइप में आपको पहले मंथ्स के ऑड डेज अलग निकालने होंगे और ईयर्स के ऑड डेज अलग निकालने होंगे, बाद में आप चेक करोगे कि ऑड डेज आपके निकल रहे हैं, कैसे देखो ध्यान से, कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन में आप मंथ्स के ऑड डेज अलग निकालोगे और ईयर्स के ऑड डेज अलग निकालोगे, बाद में इनको आप कंबाइंड कर दोगे, ठीक है,
तब आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कैलेंडर में आगे का पूछा है फिर पीछे का पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मंथ्स के ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, जैसे हमने टाइप टू में किया था वैसे पहले फोकस करो टाइप थर्ड में उसको अप्लाई करने का। आप मंथ्स में पहले फोकस करो, इसको भूल जाओ, इसको इन ईयर्स के लिए ईयर्स के ऑर्डर्स निकालने के लिए फिलहाल माइंड से निकाल दो। ऐसा समझो कि ये 2003 है, ये भी 2003 है, इस तरीके से इसको लेके चलो। इसके ऑर्डर्स हम बाद में निकालेंगे, मींस ईयर्स के ऑर्डर्स हम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे मंथ्स के ऑर्डर्स, ठीक है। तो देखो जुलाई और अक्टूबर में सबसे पहले महीना कौन सा आता है, जुलाई, और जुलाई के हम क्या लेंगे, जो पहले महीना है उसके हम लेंगे रिमेनिंग डेज, यानी कि रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई। जुलाई के क्या हो गया, रिमेनिंग डेज जुलाई। देखो क्यों लोगे रिमेनिंग डेज, क्योंकि देखो इन दोनों मंथ्स में पहले कौन आता है, पहले तो जुलाई आएगा, अक्टूबर तो बाद में ही आता है ना, तो जुलाई की जो पहले है उसके लोगे रिमेनिंग डेज। जुलाई देखो होती है 31 दिनों की, दी कितनी तारीख है 30, तो 31 में से 30 को घटाओगे तो क्या आपके पास एक नहीं बचा, एक बचा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जुलाई के बाद देखो अगस्त आता है, और अगस्त कितने दिनों का होता है, अगस्त कितने दिनों का होता है, आप बोलोगे सर 31 दिन का, मैंने कहा चलो लिख लो 31 दिन। फिर सितंबर, सितंबर बताओ कितने दिन का होता है, तो आप बोलोगे सर सितंबर होता है 30 का, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर, और इस क्वेश्चन में भी अक्टूबर लास्ट ही दिया वो महीना, इसके बाद नवंबर दिसंबर ऐसा कुछ नहीं बोला गया, जुलाई से अक्टूबर तक का ही पूछा है, यानी इस क्वेश्चन में लास्ट कौन सा महीना, अक्टूबर है, और जो भी लास्ट पूछा जाए इन दोनों में उसके आप जो डेट लिखी होगी एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है। अक्टूबर है तो अक्टूबर लिखो, और अक्टूबर कितनी तारीख की दी हुई है, 5, जो लास्ट मंथ होगा इन दोनों में से और जो भी उसकी तारीख दी होगी उसको लास्ट में एज इट इज चिपका दोगे और अपने और डेज आपके निकल जाएंगे। तो देखो यहां से आपके निकलेंगे मेरे भाई मंथ्स के और डेज, क्या निकलेंगे मंथ्स के और डेज, एक तो है ही, प्लस इसको यहीं पर 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आया 3, ठीक है, 7 चौके 28 रिमाइंडर कितना आया 2, और ये 5 तो है ही। अब अगेन इसको ऐड करो, पहले 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 को अगेन डिवाइड करो 7 से, क्योंकि 7 से बड़ा है इसलिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा, 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4, क्योंकि देखो 11 को जब 7 से करोगे 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना है 4 नहीं आएगा, तो 4 है आपका। अच्छा चार ये आया, अब हम इसके आगे पॉजिटिव लगाएं इस चार के आगे या फिर नेगेटिव लगाएं, कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा आपको मंथ्स को देख, ठीक है। अब देखो कैसे यहाँ पर इस चार के आगे आप प्लस लगाओगे या फिर माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका ये, आपको देखो अक्टूबर का दिन पता है सैटरडे है, आपको जुलाई का पूछा है, यानी मंथ्स में आप कैलेंडर में क्या पीछे का पूछा है, पीछे का रिवर्स पूछा है, यानी यहां से जो भी रिजल्ट है आपका 4 इसके आगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि मंथ वाइज आप पीछे जा रहे हो, मंथ वाइज आपको पीछे का पूछा है, अक्टूबर का दिन दे रखा है आपको जुलाई का पूछा है, यानी मंथ वाइज आप पीछे जा रहे हो, और जब पीछे जा रहे हो तो ये 4 कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब यहां से निकलेंगे आपके ईयर्स के ऑड डेज, और बाद में आप इसको कंबाइन करोगे अपना आंसर देखो। अब बताओ 2003 से 2015 के बीच में कितने सालों का गैप है, आप बोलोगे सर 12 साल का गैप है, मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये भी बताओ फिर, मैंने बोला आपको पता है कि ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स गैप ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, गैप ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर, इन दोनों में बताओ कितने सालों का गैप था, 12 सालों का। अब बताओ 2003 से लेके 2015 के बीच में आपको कितने, बीच में नहीं 2003 से लेके 2015 तक आपको कितने ऑड डेज मिले, तो 2003 तो एक सॉरी लीप ईयर कितने मिले आपको, 2003 से लेके 2015 तक आपको कितने लीप ईयर्स मिले, तो आप बोलोगे सर 2003 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन हाँ सर 2004 एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, 2016 तो है नहीं क्योंकि 2015 तक का ही पूछा है, यानी आपको 2003 से लेके 2015 तक कितने लीप ईयर्स मिले, 3, तो बस यहां पर 3 लिख दो आपके ऑर्डर्स निकल आएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स ईयर्स के ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, गैप ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, तो 12 प्लस 3 कितना आया 15, 15 को डिवाइड करो 7 से, क्योंकि ऑड डेज फाइनली निकलते हैं तो 7 से डिवीजन करके, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 1, देखो ध्यान से 15 को डिवाइड किया अपने 7 से, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना है 1, ये देखो 1 मैंने लिख दिया। अब ये एक पॉजिटिव वाला होगा या फिर नेगेटिव वाला, ये कैसे डिसाइड होगा, यहां से अब देखो ईयर्स में आगे बढ़ रहे हो या फिर पीछे, 2003 का आपको दिन दे रखा है सैटरडे, 2015 का पूछा है, यानी फ्यूचर डे पूछा है, आने वाला दिन पूछा है, यानी आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो, जब आगे जा रहे हो तो इस एक के आगे क्या लगाओगे, पॉजिटिव। अब देखो आपके मंथ के ऑड डेज भी निकल चुके हैं माइनस 4,
और ईयर्स के ऑड डेज निकल चुके थे प्लस वन, अब इनको ऐड करो तो देखो माइनस चार, ये चार जो था ये माइनस चार एज इट इज मैंने दिया, और ये वन जो है पॉजिटिव का तो प्लस वन यहाँ पर कर दिया। अब देखो आपने, आप मैथ्स में पढ़ते हो, जब इस तरीके की चीजें आपके सामने आती हैं, आपको जस्ट इसमें जो इनको कंबाइन करके आंसर देना है, आप मैथ्स में पढ़ते हो कि जब बड़ी संख्या के आगे माइनस आता है तो जब इनको देखो बड़ी संख्या के आगे चार है और ये प्लस वन है, रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे आपका माइनस है, तो माइनस थ्री। एक बार देख लेता हूँ आपको वीडियो में सभी चीजें क्लियर हो रही है, नजर आ रही है अच्छे से कि नहीं। जी बिल्कुल नजर आ रही है सभी को मेरे भाइयों को, ठीक है। तो देखो आपने इनको कंबाइन जब किया तो रिजल्ट क्या है माइनस थ्री। अब इस माइनस थ्री को आप क्या करोगे, ये जो माइनस थ्री इनका कंबाइन करके, ये देखो ये माइनस फोर क्या था, ये मंथ्स के ऑड डेज थे, और ये वन क्या था ईयर्स के ऑड डेज थे। और माइनस फोर क्यों लगाया, क्योंकि मंथ्स में हम पीछे जा रहे हैं और ईयर्स में हम आगे जा रहे हैं, इसलिए प्लस वन। मंथ्स में हम पीछे जा रहे थे मतलब मंथ्स में आपको पीछे का डे पूछा था और ईयर्स में आपको आने वाला डे पूछा था, इसलिए मंथ्स वाला माइनस फोर और ये ईयर वाला प्लस वन, इनको जब आपने कंबाइन किया तो रिजल्ट क्या है माइनस थ्री। माइनस थ्री है तो जस्ट इसके आगे माइनस थ्री कर दो, लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी सैटरडे माइनस थ्री, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप मेरे सभी साथियों को टाइप थर्ड भी इसका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो टाइप थ्री जो है आपका कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व, देखो टाइप थ्री में फोकस क्या करना, अपने अपने माइंड में क्या रखना, टाइप थ्री कैसा होता है, सब चेंज, डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज, ईयर भी चेंज, यानी आपका टाइप थर्ड है। और टाइप थर्ड में आपका क्या करोगे, मंथ्स के ऑड डेज आपने अलग निकालने हैं, ईयर्स के ऑड डेज आपने अलग निकालने हैं, बाद में आपने देखना कि मंथ्स में आप आगे जा रहे हो, अगर आगे का पूछा है तो प्लस वन, पीछे का पूछा है तो माइनस, ठीक सॉरी अगर आप मंथ्स में आगे को जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर पीछे का पूछा है मंथ में तो नेगेटिव, ऐसे ही अगर ईयर्स में आप आगे का पूछा है तो पॉजिटिव, पीछे का पूछा है तो नेगेटिव, बस इतनी सी बात है। और बाद में उनको कंबाइन करो और जो भी यहाँ पर कंबाइन करके आपका रिजल्ट है उसको जो भी दिन दिया होगा उसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी यहाँ से निकलेगा पीछे उसके चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अभी टाइप थर्ड के ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस केस को भी अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। और आज के एग्जाम में मेरे भाई सभी को बता दूं मैं, टाइप यहां से जो क्वेश्चन जो टाइप थ्री के ही क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइप थ्री के जो क्वेश्चन है आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 30 मार्च 2019 को, अगर संडे है यानी कि 30 मार्च 2019 को अगर संडे है, क्वेश्चन है आपका, अगर 30 मार्च क्वेश्चन है अगर आपका कि 30 मार्च 2019 को अगर संडे है तो बताओ आपका 4 जून 2007 को कौन सा दिन होगा, यानी 4 जून 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो डेट डेट चेंज है, मंथ मंथ चेंज है और ईयर्स ईयर चेंज है, तो आपका पता है कि थर्ड केस बनेगा ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले बताओ मार्च और जून में सबसे पहले महीना कौन सा आएगा, मार्च आएगा ना, तो मार्च के क्या लोगे आप रिमेनिंग डेज, यानी मार्च के आप लोगे रिमेनिंग डेज, मार्च के क्या लोगे रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग जो पहले मंथ है क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया होगा उनमें जो पहला मंथ होगा उसके आप क्या लोगे रिमेनिंग डेज, ठीक है। तो मार्च जो मंथ आएगा जो भी इन दोनों में से पहले महीना आएगा उसके क्या लोगे आप रिमेनिंग डेज, ठीक है ओके। अच्छा मार्च के बाद देखो, अच्छा रिमेनिंग डेज मार्च के लोगे तो मार्च होता है 31 दिनों का, कौन सी तारीख दी हुई है आपको 30 तारीख, यानी 31 में से 30 को घटाओ तो रिमेनिंग डेज मार्च का कितना होगा 1,
मार्च के बाद देखो अप्रैल आता है, अप्रैल आता है ना, अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 30 आप देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद मई, मई में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे सर मई में होते हैं 31 दिन। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है मई के होते हैं 31 दिन, ओके। अच्छा जून, और जून देखो है भी क्वेश्चन में, जून लास्ट ही महीना है, मार्च और जून तक ही पूछा है, तो जून क्वेश्चन में आपका लास्ट मंथ है, और जून जो भी लास्ट मंथ होगा उसका हम जो भी डेट दिया होगा एज इट इज लिख देंगे। जून कितने तारीख की दी हुई है मेरे भाई? तो जून, जून दी हुई है आपकी 4 तारीख की, तो 4 आप लिख सकते हो, बस सब कुछ निकलना, इनको ऐड करो 7 से डिवाइड करो, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, मंथ्स के और डेज निकल के आ जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहीं पर इसको 7 से काट लो, 7 चौके 28 रिमाइंडर कितना है 2, 7 चौके 28 रिमाइंडर कितना है 3, और ये 4, इनको ऐड करो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, अब 10 को अगेन 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है 3। अब देखो मंथ्स में आप आगे का पूछा है या फिर पीछे का पूछा है, तो देखो मार्च का दिन आपको दे रखा है संडे, आपको पूछा है जून का, यानी मंथ में आप आगे जा रहे हो, तो ये जो 3 है 3 के आगे क्या लगा लोगे, पॉजिटिव यानी प्लस, यानी मंथ में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब इयर्स का देखते हैं, इयर्स के ऑड डेज मैंने निकालने बताया था आपको, गैप ऑफ इयर्स प्लस लीप इयर्स, 2019 से 2007 के बीच में या फिर 2007 से 2019 के बीच में कितने सालों का गैप है? आप बोलोगे सर 12 साल का गैप, मैंने कहा बिल्कुल सही है बोला आपने। अब 2007 से 2019 तक देखो कितने लीप इयर्स मिले, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, 2016 एक लीप ईयर है, 2020 तो आएगा नहीं क्योंकि 19 तक का ही पूछा है, तो 3 लीप ईयर अगेन आपको मिल चुके हैं 2007 से 2019 तक, तो 12 + 3 = 15, 15 को डिवाइड करो 7 से, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना है 1। अब देखो ये 1 के आगे हम पॉजिटिव लगाएं या फिर नेगेटिव कैसे पता लगेगा, यहां से 2019 का दे रखा है दिन, 2007 का पूछा है, यानी ईयर वाइज आप पीछे को जा रहे हो, तो ये जो 1 होगा इसके आगे माइनस कर दोगे। अब क्या करना है, ये जो 3 होगा ये पॉजिटिव का है और ये जो 1 है ये नेगेटिव का है, तो जब इनको आप इनका जो रिजल्ट निकालोगे तो देखो बड़ी संख्या के आगे 3 है और छोटी संख्या के आगे माइनस है, तो निकलेगा तो डिफरेंस इनका 3 में से 1 गया 2, यानी पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 2 आया। अब ये पॉजिटिव का जो भी 2 है इसके आगे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 2, संडे प्लस 2 मंडे ट्यूजडे, तो करेक्ट आंसर इसका मेरे भाई क्या आ जाएगा आपका, Tuesday is the correct answer. देखो कितने इजी क्वेश्चन है ये, टाइप थर्ड कोई अलग टाइप नहीं है, याद रखो टाइप थर्ड इज द मिक्सचर ऑफ टाइप फर्स्ट एंड सेकंड, टाइप जो थर्ड है आपका मिक्सचर होता है टाइप 1 और टाइप 2 का, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं और इस वीडियो को फिलहाल खत्म करते हैं क्योंकि आपका टाइप थर्ड भी इसमें कवर हो चुका है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद इसको खत्म करते हैं। अच्छा एक अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, उसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, डबल स्टार मार्क चाहे कर लेना, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है क्यों करोगे उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां से आपको एक और चीज क्लियर होगी, अगर आप टाइप थर्ड के क्वेश्चन अभी तक गलत करते आ रहे थे, आज से आपके वो भी गलत नहीं होंगे, ठीक है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए एज इट इज ले रहा हूं, बोल रहा है कि 30 जनवरी 2004 को अगर थर्सडे है, 30 जनवरी 2004 को अगर बोल रहा है मेरे भाई थर्सडे है, 30 जनवरी 2004 को अगर थर्सडे है, आपसे बोला है कि 1 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, एक ये ध्यान रखना जनवरी है, 1 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, डाटा चेक कर लेते हैं हम लोग, 30 जनवरी 2004 को थर्सडे है तो आपसे पूछा है कि 1 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन ये है। यहां से आपका एक चीज क्लियर होगा, एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले किया है और वो गलत हो चुका है तो आज के बाद वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि एक चीज आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। है ये थर्ड टाइप थर्ड का ही क्वेश्चन है, देखो डेट डेट चेंज है, मंथ मंथ चेंज है, इयर्स इयर्स चेंज है, दिस इज केस थर्ड। अब देखो इन दोनों में सबसे पहले महीना कौन सा आएगा, जनवरी अप्रैल में सबसे पहले कौन सा महीना आता है, जनवरी, जनवरी कितने दिन की होती है 31, तो जो भी पहले महीना है उसके तो हम लेंगे रिमेनिंग डेज, 31 जनवरी 31 दिनों की होती है, दिया हुआ 30, तो 31 में से 30 को घटाओ तो
जनवरी के रिमेनिंग डेज कितने निकले आपके? एक, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब फरवरी देखो, फरवरी बताओ। आप बोलोगे सर फरवरी की अब जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक पूछा है, और जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल तक हमें पूछा है, तो फरवरी सर 29 की तो लेंगे, 28 की तो लेंगे नहीं। मैंने बोला रुको जरा, सबर करो। क्यों सबर करो, सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि सर फरवरी में 29 तारीख की लूं, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बात करूं, आपको पता है कि इसके इसका आंसर देने के लिए आपको पहले मंथ का ऑर्डर निकालना पड़ेगा फिर इयर्स का। तो पहले आप इयर्स का एक बार, मंथ्स के भी निकालेंगे हम, पहले इयर्स के निकाल लेंगे, आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब तक क्वेश्चन आपके गलत क्यों होते थे देखो। अच्छा देखो इयर्स के ऑर्डर कैसे निकालते हैं, गैप ऑफ इयर्स प्लस लीप इयर्स। 2004 से 2016 के बीच में कितने इयर्स का गैप है? आप बोलोगे सर 12 सालों का गैप है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात। अब बताओ 2004 से 2016 के बीच में आपको कितने आपको लीप ईयर मिले? तो आप बोलोगे सर 30 जनवरी 2004 का दिया है, यानी जनवरी के बाद फरवरी 2004 वाली आएगी, 29 फरवरी को हम क्रॉस करने वाले हैं, तभी तो 2016 तक पहुंचे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला, यानी 2004 जो है आपका एक लीप ईयर काउंट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा 2004 के बाद देखो 2008 का लीप ईयर काउंट होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। 2012 भी आपका लीप ईयर काउंट होगा क्या? 2016 लीप ईयर काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 अप्रैल तक का पूछा है, यानी 1 अप्रैल 2016 का पूछा है, यानी 30 जनवरी 2004 से जब आगे बढ़ोगे तो 2016 वाली 29 फरवरी को भी क्रॉस करके आगे बढ़ोगे, यानी 2016 भी एज अ लीप ईयर मेरे भाई आपका काउंट होगा, बिल्कुल होगा। तो 2004 से 2016 के बीच में आपको कितने लीप ईयर्स मिले? 1, 2, 3, 4, तो बस 4 ऐड करो, तो 12 + 4 = 16, 7 से डिवाइड करो क्योंकि ऑड डेज निकलते हैं आपके, 7 से डिवाइड करके 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना है आपका 2। अब देखो आप इयर्स वाइज आगे जा रहे हो या फिर पीछे, तो यहां से पता लगेगा 2004 का दिन दे रखा है, 2016 का पूछा है, यानी प्लस 2 पॉजिटिव ही, आगे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव, जो भी रिजल्ट है उसके आगे पॉजिटिव लगा दो। तो इयर्स के आपने मेरे भाई ऑड डेज निकाल दिए, ठीक है, अब यहां से कांसेप्ट आपका क्लियर होगा मेरे भाई। जनवरी के बाद देखो इन दोनों मंथ्स में पहले जो है उसके लेंगे हम रिमेनिंग डेज, हमने ले लिए जनवरी के, 30 जनवरी दी हुई है, 31 जनवरी होती है 31 दिनों की, 31 में से 30 घटा है, रिमेनिंग एक। अब फरवरी क्या 29 तारीख की आप लोगे, क्योंकि एक्चुअल में 2004 में फरवरी 2004 एक लीप ईयर है प्रैक्टिकली, और 29 दिसंबर उसमें आएगा, लेकिन क्या हम उसको लीप ईयर अज्यूम करेंगे बताओ, लीप ईयर क्या अज्यूम करेंगे उसको फरवरी को? तो ध्यान रखो मेरे भाई, थर्ड केस ऐसा केस है जिसमें आप फरवरी को 29 नहीं 28 के मान के चलोगे। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने लीप ईयर काउंट कर लिया है, तो अगर आप यहाँ पर भी लीप ईयर ईयर्स के भी लीप ईयर काउंट कर रहे हो और यहाँ पर मंथ में भी आप 29 फरवरी काउंट कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत आंसर मार्क कर लोगे, यानी दो बार आप लीप ईयर काउंट कर लोगे। इसीलिए हमेशा केस थर्ड में देखो ना, यहाँ पर भी लीप ईयर आपने काउंट कर लिया और यहाँ पर भी 29 फरवरी भी काउंट कर लिया, मंथ में भी आपने 29 काउंट कर लिया, लीप ईयर में भी 29 काउंट कर लिया, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड केस में याद रखो फरवरी आपने 28 दिनों की मान ली है, तो इसमें फरवरी आपकी कितनी 28 दिन की होगी, मैंने कहा चलो लिख लो फरवरी आपका 28 दिन का, ठीक है। अब आया मार्च, मार्च आपका होता है 31 दिन का, मैंने कहा 31 लिख लो। अब आया आपका अप्रैल, और अप्रैल इसमें देखो इन दोनों में लास्ट ही है, तो अप्रैल जो भी लिखा होगा एज इट इज 1 अप्रैल दिया होगा, तो यहां से मेरे भाई आपके निकलेंगे मंथ के ऑड डेज, यहां से आपके क्या निकलेंगे मंथ के ऑड डेज। तो देखो एक तो है ही है, प्लस 28 को यहीं पर 7 से डिवाइड करो, 7 × 28 रिमाइंडर कितना है 0, 7 × 28 रिमाइंडर कितना है 3, 7 × 28 ये तो सर एक है ही है, 1 + 3 = 4, 4 + 1 = 5, अब ये 5 पॉजिटिव वाला हो गया या फिर नेगेटिव वाला कैसे डिसाइड होगा, मंथ को देखिए, जनवरी का दिन दे रखा है, अप्रैल का पूछा है, यानी कैलेंडर में आप आगे का पूछा है, तो इसके आगे प्लस 5, यानी अब ये देखो प्लस 5 ये वाला मंथ वाला और प्लस 2 आपका ईयर्स वाला, अब इनको ऐड करो, 5 + 2 क्या होता है 7, 5 + 2 आपका क्या होता है 5 + क्या होता है आपका 7 होता है, 5 + 2 क्या होता है 7। अब देखो 7 को अगेन आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अच्छा इस 7 का मतलब चलो डिवाइड भी ना करो, चलो डिवाइड भी आप मैं कहता हूं ना करो, चलो छोड़ो इसको डिवाइड भी नहीं करते, 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7, थर्सडे में अगर 7 जोड़ोगे क्या अगेन आपको सेम डे नहीं मिल जाएगा, मतलब दोबारा थर्सडे आपको मिल जाएगा, थर्सडे कोई भी ये वाला थर्सडे फिर दोबारा 7 दिन बाद आएगा, यानी सेम डे।
एक हफ्ता फिर से रिपीट हो गया, यानी अगेन इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, थर्सडे ही मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। प्लस सेवन करोगे थर्सडे में तो आपको सेम वही दिन मिलेगा। तो आज आपका थर्ड केस भी मेरे भाई खत्म होता है, थर्ड टाइप भी, सॉरी रेफरेंस कैलेंडर का आपका थर्ड टाइप भी हमने खत्म आज कर दिया। अब इसके क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पीडीएफ में जब ये कैलेंडर कंप्लीट होगा एक बार फिर से मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। तो आज आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि थर्ड, आपको पता है आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि थर्ड केस, थर्ड जो टाइप है रेफरेंस कैलेंडर का, इससे सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका टाइप वन और टाइप टू का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप मेरे सभी साथियों को आज की ये जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए तो आज की वीडियो को फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, आगे आने वाली वीडियो जो भी होंगी उसमें हम देखेंगे कि कोई भी कैलेंडर फिर से कब रिपीट होता है, मीन्स सेम डे पर आपको सेम तारीख मिले, मंथ भी सेम हो और ईयर भी सेम आपको मिले, मतलब एक कैलेंडर फिर से कब, जैसे 2005 वाला कैलेंडर फिर से कब वैसा ही होगा, ठीक है, मतलब फिर से वो कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। क्या क्वेश्चन पूछता ना कई बार बहुत सारे एग्जाम में कि 2012 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, 2013 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही कंटेंट आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आप लगाइएगा आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, जो भी साथी वीडियोस को देखते हैं मेरे भाई, लाइक आप नहीं करते, बहुत कंजूसी दिखाते हो, है ना, कंजूसी नहीं दिखाना आपने, आप स्मार्ट स्टूडेंट हो यार, थोड़ा सा आप मोटिवेशन हमें दिया करो कि लाइक्स करते हो तो हमें भी पता लगता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको बहुत हेल्प, मतलब हेल्प मिल रही है वीडियो से, शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत।